नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी पेपर लीक मामले में एग्जाम सेंटर मजिस्ट्रेट हिरासत में। एक बार फिर बिहार सरकार में आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। बिहार के सभी एयरपोर्ट का होगा विकास। अब निजी अस्पतालों में भी मिलेगा गंभीर बीमारी का मुफ्त इलाज। बिहार में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी पेपर लीक मामले में एग्जाम सेंटर मजिस्ट्रेट हिरासत में। अभी तक में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया हो, लेकिन ऐसा हुआ है बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा जो कि रविवार 8 मई को हुई थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वजह से बीपीएससी 67वीं की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। हालांकि इसकी गहन जांच हो रही है और इस मामले में एक अपराधी को भी हिरासत में ले लिया गया है। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में भोजपुर के बरहरा बीडीओ को हिरासत में लिया गया है। बीडीओ जयवर्धन गुप्ता वीर सिंह कॉलेज में एग्जाम सेंटर मजिस्ट्रेट थे। यही प्रश्न पत्र को लेकर सबसे ज्यादा धांधली हुई थी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने मंगलवार सुबह बीडीओ के आवास से गिरफ्तार उन्हें किया है और जांच के लिए बीडीओ को पटना लेकर आई है। एक बार फिर बिहार सरकार में आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। बिहार सरकार में बीते दिन कई आईएएस अफसरों का एक बार फिर से ट्रांसफर और अतिरिक्त प्रभार देखने को मिला। वहीं सरकार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए मुक्त कर दिया है। वहीं वन पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव को शिक्षा विभाग का जिम्मा मिला है। संजय कुमार को केंद्रीय युवा मंत्रालय में सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को अगले आदेश तक मंत्रिमंडल सचिवालय का अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। चैतन्य प्रसाद को अवकाश अवधि तक के लिए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को दिया गया है। वो निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभारी भी हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आंधी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इस साल प्री मानसूनी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो चुका है। श्रीलंका के वैज्ञानिकों ने इस तूफान का नाम असानी दिया है। यह चक्रवात सीधे तौर पर बिहार को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन इसका असर कुछ हद तक बिहार के विभिन्न जिलों में देखने को जरूर मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से 10, 11, 12 और 13 मई को पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले में गरज के साथ बारिश की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण बिहार में भी इन दिनों बारिश की प्रबल संभावना है। पटना और गया में भी धूल भरी आंधी और आंशिक बारिश का पूर्वानुमान है। हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। बिहार के सभी एयरपोर्ट का होगा विकास। बिहार में एयरपोर्ट के विकास को लेकर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने अहम बैठक की। इस बैठक में बिहार के सभी हवाई अड्डों के विकास को लेकर बातचीत हुई है, जिसमें गया, पटना, बेहटा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सोनपुर, रक्सौल, फारबिसगंज सहित दरभंगा हवाई अड्डे को विकसित करने को लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक में दरभंगा हवाई अड्डे के संबंध में जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बताया, यहां हवाई अड्डे के मुख्य द्वार से लेकर अंतिम छोर तक व्यू कटर लगवा दिया गया है, ताकि सड़क से हवाई अड्डा नहीं दिख सके। साथ ही हवाई अड्डा के लिए दी जाने वाली 24 एकड़ जमीन में 19 एकड़ की घोषणा हो गई है। NH 105 में दिल्ली मोड़ से 2 किलोमीटर तक सड़क चौड़ीकरण करवाने का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि जाम न लग सके। जानकी नवमी पर मुख्यमंत्री ने मिथिलावासियों को मैथिली भाषा में दी खास बधाई। मिथिला की बेटी जनक नंदिनी माता सीता के जन्मोत्सव जानकी नवमी पर बिहार के मुख्यमंत्री ने सबको खास बधाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी बिहारवासियों को मैथिली भाषा में जानकी नवमी के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने इसी ट्वीट को हिंदी में भी किया है और सेम बात लिखी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जनक नंदिनी माता सीता के जन्मोत्सव जानकी नवमी के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माता सीता की जीवन गाथा से हमें त्याग, सेवा, संयम, प्रेम आदि जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। मां जानकी सबका कल्याण करे, यही कामना है। अब निजी अस्पतालों में भी मिलेगा गंभीर बीमारी का मुफ्त इलाज। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अब निजी क्षेत्र के चयनित अस्पतालों में भी गंभीर टीबी रोगियों को मुफ्त या फिर सीमित खर्च पर इलाज की सुविधा मिलेगी। ये उक्त बातें बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग चयन किए गए निजी अस्पतालों में ड्रग रेजिडेंट यानी कि DR सेंटर खोलेगा, ताकि वहां ऐसे मरीजों का मुफ्त या सीमित खर्च पर बेहतर इलाज हो सके। और प्रथम चरण में राज्य के कुछ प्रमुख निजी अस्पतालों से इस संबंध में बात भी हुई है। आपको बता दें कि राज्य के जिलों में जिला यक्ष्मा केंद्रों पर डिस्ट्रिक्ट DR टीबी सेंटर और 6 मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में नोडल DR टीबी सेंटर में निःशुल्क जाँच और उपचार का प्रावधान है। बीएड के लिए 11 शहरों में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र।
बिहार में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अभी तक 80,000 आवेदन आ चुके हैं। बिहार में दो वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री की संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी 2022 के लिए अंतिम तारीख 17 मई निर्धारित की गई है। वहीं 25 अप्रैल से आवेदन लिए जा रहे हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.biharceetbed-lnmu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीएड 2022 के लिए प्रवेश परीक्षा 23 जून को होनी है। वहीं परीक्षा के आयोजन के लिए राज्यभर के 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें अब तक प्रथम वरीयता के आधार पर केंद्रों के चयन के मामले में अभ्यर्थियों की पहली पसंद पटना शहर है। मधेपुरा सबसे कम लोगों ने परीक्षा केंद्र के लिए चॉइस में दिया है। वहीं किसी प्रकार की जानकारी है तो अभ्यर्थी तत्काल नोडल विश्वविद्यालय की तरफ से जारी हेल्पलाइन नंबर 07314629842 पर संपर्क कर सकते हैं। वाईफाई नेटवर्क सेवा का इन स्टेशनों पर हुआ सॉफ्ट लॉन्च। रेलटेल ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना पर आधारित रेलटेल की पब्लिक वाईफाई सेवाओं की एक्सेस के पायलट प्रोजेक्ट का 100 रेलवे स्टेशनों पर शुभारंभ किया। जनहितैषी सेवाओं का सॉफ्ट लॉन्च रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुनीत चावला ने किया। जानकारी के अनुसार बाद में रेलटेल की पीएम वाणी आधारित पब्लिक वाईफाई सेवाओं की एक्सेस की अगले महीने यानी कि जून अंत तक चरणवार रूप से सभी 6,102 रेलवे स्टेशनों पर जहां वाईफाई सुविधा पहले से उपलब्ध है वहां तक विस्तारित की जाएगी। फिलहाल देश के जिन 100 स्टेशनों पर इसकी शुरुआत हुई है उसमें दानापुर मंडल के 3 स्टेशन शामिल है जबकि पूर्व मध्य रेल के 4 स्टेशन इस योजना में शामिल है। वहीं ये सुविधा पटना जंक्शन बाढ़ और अथमलगोला के अलावा सिंगरौली में इस सुविधा का लाभ यात्रियों को मिलना शुरू हो गया है। 12 मई को दिल्ली में होगा बिहार इन्वेस्टर्स मीट। बिहार में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की पहल पर 12 मई को दिल्ली के ताज मानसिंह होटल में देश के बड़े निवेशकों का एक दिन का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बिहार इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगी और बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का सूची भी गिनवाएंगी। इस बैठक में बिहार को काफी फायदा पहुंचने की उम्मीद है। इस साल के अंत तक बिहार के सभी पर्यटक स्थलों पर मिलेगी खास सुविधा। बिहार सरकार टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए लगातार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में तमाम पर्यटक स्थल पर जरूरी और साथ ही विशेष सुविधा मुहैया कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार दूसरे राज्यों से सीखते हुए बिहार के पर्यटक स्थलों को भी और ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए विशेष काम कर रही है। आपको बता दें कि दूसरे राज्य पर्यटक स्थलों की तर्ज पर बिहार में आने वाले पर्यटकों को पर्यटकीय स्थल पर बोटिंग, पैरासेल बोट, बड़ा छोटा बोट समेत कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही इसकी शुरुआत भी हो चुकी है जो कि बेतिया जिले से शुरू हुई है। वहीं इस साल के अंत तक सभी पर्यटन स्थलों पर ऐसी सुविधाएं मिलने वाली है। हर एक पंचायत में मुक्तिधाम का निर्माण जल्द होगा शुरू। बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग विशेष पहल करने जा रहा है। पंचायतों में मुक्तिधाम का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। जी हां, 15वें वित्त आयोग ने अपनी अनुसंचित राशि से इस योजना के तहत पंचायतों में शवों के दाह संस्कार के लिए 2 संस्कार शेड सहित मुक्तिधाम का निर्माण कराने को लेकर स्वीकृति प्रदान कर दी है। पंचायती राज मंत्री अशोक सम्राट ने बताया कि मुक्तिधाम के चारों तरफ 4 दीवारी, सोलर लाइट, एक हैंडपंप और एक शौचालय का भी निर्माण कराया जाएगा। एक मुक्तिधाम के निर्माण में करीब 3 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि इस नए नोडल से मुक्तिधाम स्थल का निर्माण परंपरागत श्मशान से कई अर्थों में भिन्न होने के साथ ही स्वच्छता का प्रतीक भी होगा। जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव आर नहीं तो पार वाले मूड में। बिहार में राजनीतिक गलियारे में पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे पर तंज कसने के लिए कई मुद्दे हैं। उन्हीं में से एक है जातीय जनगणना का मुद्दा। इसको लेकर समय समय पर पक्ष विपक्ष आमने सामने आते हैं। वहीं इस पर शुरू से ही सबसे ज्यादा जोर राजद ने लगाया है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर आर नहीं तो पार के मूड में है। जातिगत जनगणना को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसके लिए अब बिहार से दिल्ली तक पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में 2 बार विधानसभा और विधान परिषद से जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास किया जा चुका है लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री ने कहा, तेज हवा की वजह से पुल कैसे गिर सकता है। बिहार के सुल्तानगंज में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने के लिए तेज हवाओं को जिम्मेदार बताने वाले एक बयान पर केंद्र के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आश्चर्य जताया है। नितिन गडकरी ने कहा कि कोई इस तरह से जवाब पर विश्वास कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेज हवा की वजह से पुल कैसे गिर सकता है। आपको बताते चले कि बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज में करीब 1,710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा अगुवानी पुल मामूली सी आंधी नहीं झेल सका और पिछले महीने 29 अप्रैल को धराशाही हो गया।
इस हादसे की वजह से जानमाल को तो नहीं लेकिन सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आगवानी घाट पुल के सुपर स्ट्रक्चर ढह जाने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पथ निर्माण मंत्री ने कहा है कि IIT रुड़की और पटना NIT की टीम संयुक्त रूप से ये जांच करेगी। बिहार में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ी, देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। हालांकि राज्य में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर नजर डाले तो राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 59 पर पहुंच गई है। बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 62,306 सैंपल की जांच हुई। इसके बाद राज्य में 7 नए कोरोना के मामले मिले हैं, जिसमें 4 मामले राजधानी पटना के हैं। वहीं कैमूर में 2 और गया में 1 मामले मिले हैं। वहीं देश भर की बात करें तो काफी दिनों के बाद आज यानी मंगलवार को जारी किए गए बीते 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 2288 नए मामले सामने आए हैं, जहां 10 लोगों की जान भी गई। इसके साथ ही कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 19,637 पर पहुंच गई है। IPL इतिहास में पहली बार बुमराह ने लिए 5 विकेट। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले में कोलकाता ने भले ही जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन मुंबई की हार के बाद भी जसप्रीत बुमराह सुर्खियों में बने हुए हैं। मुंबई के जसप्रीत बुमराह कोलकाता के बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन गए थे और 4 ओवर में उन्होंने मात्र 10 रन खर्च कर 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। 15वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक आंद्रे रसेल को आउट किया और उसके बाद क्रीज पर अपने पैर जमा चुके नीतीश राणा का विकेट लेते देखे गए। इसके बाद अपने कोटे के 3रे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने बिना रन खर्च किए यानी मेडन ओवर डाला और 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। IPL इतिहास में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करने के मामले में जसप्रीत बुमराह 5वें स्थान पर अब पहुंच गए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है निकिता कुमारी, मोहम्मद शहबाज, कुश कुमार यादव, लकी सिंह, महेश दास, संजीत कुमार सुमन, प्रिया रॉय, रंजीत मिश्रा, इंद्रभूषण। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत में मुक्ति धाम निर्माण की पहल आपको कैसी लगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।